हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज। और जो ये एमसीक्यूज हैं ये मैंने सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इसके अलावा एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हम किस तरह से रेशनल इरेशनल पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह का है कि ना तो कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डैश 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 लगा हुआ है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा और कोई सेम पैटर्न भी हमें नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो वो इरेशनल होगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ये जो है ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 के बाद 0 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद 0 आया फिर 1 नहीं आया, 0 आ गया एक और, ठीक है, उसके बाद 1 आया, फिर 4 के बाद 3 0 आ गए फिर 1 आया, मतलब कोई सेम चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस है। और आपको याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला केस जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, बाकी ये भी रेशनल है, बार लगा होगा वो भी रेशनल होगा, यहाँ पे बार लगा है वो भी रेशनल होगा, जहाँ भी आपको बार नजर आ जाए आँख बंद करके वो रेशनल है। ठीक है, टर्मिनेट हो गया तब तो पक्की बात है कि वो रेशनल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तीनों रेशनल हैं और ये जो है ये इरेशनल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों स्क्वायर रूट के अंदर हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा इरेशनल है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास स्क्वायर रूट में नंबर दिए जाएं और स्क्वायर रूट में सब कुछ सॉल्व करने के बाद एंड में कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे, क्या बचे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ऐसा बचता है तो ये जो पूरा नंबर है ये होता है इरेशनल। ये क्या होता है, इरेशनल। हल्का हल्का मैं रिवाइज कराता चल रहा हूँ, हो सकता है किसी ने पिछली वीडियोस ना देखी हो। ठीक है, बाकी अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर एकदम इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई अंडर रूट 7 यहाँ पर सही आंसर होगा। अंडर रूट 7 जो है ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है 7, 7 जो होता है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही ऑप्शन तो आ गया ऑप्शन सी, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है वो रेशनल कैसे हैं इसको भी समझ लो। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए की बात करते हैं पहले, ये रेशनल कैसे है, देखो अंडर रूट के अंदर है 4/9, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 9। तो यहाँ पे देखो जो 4 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका अंडर रूट होता है 2, जो 9 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका अंडर रूट होता है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है भाई, ऐसा करने से क्या हुआ, इसको हमने p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख दिया, p का काम कर रहा है 2, q का काम कर रहा है 3। तो जैसे ही इसको हमने p बाई q की फॉर्म में लिखा, यहाँ पर p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है और q 0 नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये तो हो गया रेशनल। ठीक, इसी तरह से आप कहोगे ऑप्शन बी जो है ये रेशनल कैसे है, क्योंकि 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, फिर ये कैसे है, देखो ये कैसे है इसको समझो। यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे लिखें 12/3 एक साथ लिख दो और अंडर रूट लगा दो, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक जगह अंडर रूट था तो अलग अलग लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग है तो एक साथ लिख दो, ऐसा करोगे तो 12/3 हो जाएगा 4, तो यानी कि ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4। अब आपको पता है यार 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मतलब जिसको हम ऐसे निकाल पा रहे हैं जिसका स्क्वायर रूट एक नंबर में एक एक इंटीजर में, वो सारे के सारे रेशनल हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट के अंदर मतलब क्या 9 आ जाएगा यार इसका स्क्वायर रूट, तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बचा कौन, ये बच गया, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक,
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ऑप्शन सी सही कैसे था। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आप पिछली वीडियोस देख लेना जो चैप्टर की हैं, एनसीईआरटी की हैं, बहुत ही डिटेल में बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया, सारे ट्रिक्स बता रखे हैं किस तरह से हम पहचानते हैं रेशनल इरेशनल। चलिए यहाँ पर क्या है, 2√3 + 3 रूट के अंदर, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो भाई 2√3 + 1√3 = 3√3, ठीक है, तो देखते ही आप टिक लगा दोगे। जिसको समझ में ना आए वैसे समझो, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जैसे अपने पास है 2√3 + में है √3, तो अगर ये रूट के अंदर वाले नंबर सेम होते हैं तो इनके बाहर वाली चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं समझो तो 1 है, तो 2 और 1 जुड़ेगा, 2 और 1 √3। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो एक और तरीके से समझ सकता है, कैसे, जो यहाँ पे √3 है इसको आप थोड़ी देर के लिए सेफ समझो, तो अपने सवाल में है 2√3 + में √3, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई सेफ हम किसे बोल रहे हैं, √3 को, तो जहाँ पे √3 वहाँ सेफ लिख दो, तो 2 के बाद √3 था तो 2 के बाद सेफ लिख दो, प्लस यहाँ पे √3 है मतलब सिर्फ सेफ है, तो यहाँ पर देखो यार यहाँ पे 2 सेफ है, यहाँ पे 1 सेफ है, कितने सेफ हो गए, 3 सेफ हो गए, ठीक है। सेव हम किसे बोल रहे हैं, सेव की जगह लिख दो, सेव हम बोल रहे हैं √3 को, ठीक है, तो 3√3। खैर ये समझाने के लिए था, ऐसा आपको करना नहीं है पेपर में, ये जस्ट समझने के लिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपने पास है √10 × √15, हमें बताना है कि जो इनकी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख दो, ठीक है, मतलब एक ही अंडर रूट में आप लिख सकते हो अगर ये मल्टीप्लाई में, तो 10 × 15 इनके फैक्टर कर लो, भाई जो अपने पास 10 है 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, तो 10 की जगह लिख दिया 2 × 5, ठीक है, यहाँ से 2 5 जा कितना हुआ 10 हो गया, इसी तरह से 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक, 3 × 5 = 15 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब स्क्वायर रूट में हो तो जो फैक्टर निकालेंगे यहाँ 2 बार के बदले में 1 बार बाहर आता है, जैसे यहाँ पे 1 बार 5 2 बार 5, 5 का पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बना मतलब 5 यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है लेकिन 5 बाहर 1 बार आएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर रहने दो, तो यहाँ पर देखो 5 का पेयर बना था, 2 5 के बदले में 1 5 बाहर आ गया, कौन कौन बचा, 2 और 3 बच गए, तो यहाँ पर 2 × 3 बच गए, कितना हो जाएगा 5 √2 √3 जा नीचे मतलब अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 3 = 6, तो यहाँ पे 5√6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द नंबर ऑब्टेंड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो अपने पास है 1/√7 − 2, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, उसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, सिंपल सा तरीका होता है कि जो चीज़ यहाँ पर है इसके बीच में जो निशान है उसको बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो नीचे अपने पास है √7 और बाद में है 2, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है, बस निशान क्या है माइनस, हम यहाँ पे निशान बदलेंगे, माइनस की जगह प्लस लिखना होता है, अगर प्लस होता तो माइनस लिखना होता है, ठीक है, सेम चीज़ से ऊपर नीचे क्या करना होता है हमें, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये चीज़ तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वही रहेगा, यानी कि √7 + 2, नीचे क्या होगा देखो a + b a - b, क्या होता है a² - b² यानी √7² - 2² नीचे, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा, ठीक है, जो ये चीज़ होती है, ठीक है, उसका a² - b² ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर a + b a - b हमेशा बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या हो जाएगा √7 + 2 / √ के अंदर अगर कोई नंबर है, जैसे √ के अंदर 7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 7 ही आएगा, स्क्वायर से समझो √ खत्म हो जाता है, ठीक, तो यहाँ से क्योंकि अपने पास √7 का स्क्वायर है तो हो गया 7 − 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √7 + 2 / 7 − 4 = 3, कौन सा ऑप्शन है ये, ये अपने पास है √7 + 2 / 3 यानी कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अगला देखते हैं, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज, मतलब कि अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करें डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर कितना मिलेगा, हमें सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा आफ्टर रेशनलाइजेशन वो देखो, मैं पूरा इसको रेशनलाइजेशन नहीं कर रहा,
बस मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, जो भी चीज़ है यहाँ पर, एक को ए मानो एक को बी, जब इसका रिलेशन कर दोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी डिनोमिनेटर में आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2√2 का स्क्वायर। मेरे कहने का क्या मतलब है समझो, देखो जैसे यहाँ पे हमने किया था, जब हमने रिलेशन कर दिया तो लास्ट में क्या आ रहा है, जो यहाँ पर था इसको ए समझो इसको बी, तो यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ही आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा, बस डिनोमिनेटर में क्या आया होगा ये चीज़, इनटू में यही चीज़ बस निशान प्लस करा होगा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3। कैसे किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करोगे √ हट जाएगा यानी 3 बचेगा। ठीक, माइनस इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, इस वाले 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2। यहाँ से 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, माइनस करोगे 19, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो चीज़ दी गई है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बार सवाल उतार लेता हूँ। अंडर रूट के अंदर है 32, अंडर रूट के अंदर है 48, फिर अंडर रूट के अंदर है 8, अंडर रूट के अंदर है 12। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, एक तरीका तो अपने पास ये है कि हम हर एक को पूरा पूरा फैक्टराइज करें, जैसे 32 है तो 32 को फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, फिर 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 हो जाएगा, 2 से करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी जिसका पेयर बना उसको बाहर ले लो, अंदर ये बच जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ऐसे इसको करो इसको करो इसको करो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है तो आप क्या करो, अपने मन में ऐसे फैक्टर में तोड़ लो इसको जो कि परफेक्ट होता हो, परफेक्ट स्क्वायर होता हो। जैसे 32 है, 32 को हम तोड़ सकते हैं 16 × 2 में, 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका अंडर रूट हो जाएगा 4। तो कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे 32 था इसको मैंने 16 × 2 लिख दिया। ठीक, इसी तरह से जो 48 है 16 × 3 लिख दिया, 16 में ही क्यों तोड़ा, 16 का अंडर रूट अपने को पता है 4। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ, इस तरह से नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, ऐसे क्यों लिखा, 4 का स्क्वायर रूट अपने को पता है, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, इधर देखो यहाँ पर जो 16 × 2 है, 16 का तो अंडर रूट हो गया 4, तो 4 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया, अंडर बच गया 2, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, इसका तो आ गया 4 बाहर और ये 2 अंदर बच गया। इसी तरह से यहाँ पे 16 का अंडर रूट हो गया 4 और अंदर बच गया 3, नीचे देखो 4 का अंडर रूट हो गया 2 और अंदर बच गया ये वाला 2। इसी तरह से यहाँ पर देखो, इसका तो हो गया 2 और अंदर बच गया 3। अब आप ऊपर से 4 कॉमन ले लो भाई, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √2 + √3। नीचे आओगे तो 2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2 + √3। ये दोनों चीज़ सेम है, कट गई, 4/2 कितना होता है 2 होता है, फाइनल आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर इज 2। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।